छात्र संघ चुनाव करने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया और क्रीड़ा परिषद भवन में मौजूद कुलपति से मिलने की जिद पर अड़े रहे। छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर सीओ कैंट प्रभात राय, कैंट इंस्पेक्टर रवि राय, विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद, चुनाव अधिकारी डॉक्टर ओपी पांडे सहित पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए और छात्रों से वार्ता किया। उसके बाद कुलपति क्रीड़ा भवन से निकले तो छात्रों ने उनका घेराव किया और समय से चुनाव कराने की मांग की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता राजीव यादव और विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने बताया। आपको सब कुछ पता है सर, आप एक बात कहिए। आप कहते हैं हम काशी विद्यापीठ को मानते हैं, काशी विद्यापीठ में जब चुनाव रहेगा तो क्यों चल लेंगे तो काशी विद्यापीठ मानता है और कौन चल लेंगे तो कुलपत सर मानते हैं। छोड़िए सर, और आप भी रहे प्राक्तन, आप पहली बार नहीं हुए सर, हम नहीं पढ़ते तो उसके पहले भी आप रहे। जब काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय फॉलो करता है तो आज की विश्वविद्यालय लिख देता है कि 8 सप्ताह के मैं चुनाव नहीं करा सकता हूँ। और अगर माहौल अगर गड़बड़ता इतनी दिक्कत थी तो किसके ऊपर एफआईआर हुआ है मैं ये भी जानना चाहता हूँ। 9 तारीख की घटना में किसको जेल भेजा गया, किसको चेक कर दिया? मैं सत्ता नहीं जानता, विश्वविद्यालय नहीं जानता, सुनिए विद्यालय नहीं जानता। 107 को चुनाव खत्म। ये क्यों आप कैसे नियम में लेंगे? कुलपत जी मतदान कराइए, मतदान कराइए, मतदान कराइए। कुलपत जी मैडम जाना चाहते हैं, माहौल है, कभी भी माहौल बिगड़ सकता है। वो लोगों का कोई दोस्त नहीं यार, जाए तो बात करना हो सर। हम लोग विश्वविद्यालय में इतना माहौल खराब है सर, तो इस माहौल में बाहर के बच्चों को बुलाया जा रहा है, फिर माहौल खराब हो जाएगा। 107 पन्ने का आपने हलफनामा कोर्ट में दिया कि 15-9-18 को सत्र खत्म हो गया, लेकिन कुलपति जी ने कहा था कि 30 तारीख तक एडमिशन चलेगा और हम चुनाव सत्र सेशन की बात कराएंगे। फिर कुलपति जी अपने वादे से क्यों मुकरे? साथ में अच्छे दिलचस्प सर भी थे, आप भी थे, महोदय ने भी हमसे आश्वासन किया था कि हम लोग साथ कोर्ट में। न्यायालय में अगर ये गलत करेंगे तो कंटेम्प्ट हो गया कि आपने न्यायालय को गुमराह किया, न्यायालय को तथ्यों से सही तथ्यों। हम लोग अक्सर न्यायालय को ऊपर अपने वकील के माध्यम से बगावट हो, इन्होंने ये चीज कही थी और ये चीज कर दिया। ये नहीं कर सकते कि ये 263 का कैंप कर दिया, तुमने किसी को परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया, ये गलत है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारे पूरी बात होने दो, आपके ये प्रिंसिपल साहब है, कुलपति साहब है, जो भी है, आपका एक संवाद होना चाहिए, स्वस्थ संवाद, हेल्दी, अच्छे माहौल, लेकिन ये गलत है कि निकलने नहीं देंगे। ये 363 का अपराध है, किसी को घर में कैद कर देना उसकी मर्जी को, मुझे सुन लो पहले, रुक जाओ। अब तुम्हारी डिमांड क्या है ये बता, सर झूठ बोलना कितना जो मामला न्यायालय में है उसमें अभिभावक अभिभावक जहाँ जाएगा तहीं पहुँचे लग जाओगे। सुन लिया बहुत देर से, अरे सर किसी ने जब आया तो माहौल था, उनका लिखित देंगे।
न्यायालय में आएंगे तो देंगे, न्यायालय में सर जो प्रक्रिया है मैं अपने घर पे जाऊँ कहीं और ऑफिस में जाऊँ आप कोई काम कर रहे हैं हमारी डिमांड यही है जो हम लोग कुछ बोले यहाँ कुछ बोल रहे हैं वहाँ कुछ कर रहे हैं घेराबंदी नहीं है ना यार तुम लोग विद्यार्थी हो और पीजी के विद्यार्थी हो जाते हैं, लॉजिक वाली बात करनी चाहिए। खाली आँख मूंद करके चलें, यूनिवर्सिटी आज खाली है, चलें कोई नहीं तब सुनेगा। लॉजिक वाली बात करिए, आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट में डेट लगी है, कोर्ट ने माना ना, आपकी भी बात सुन लेगी, हमारी भी बात सुन लेगी, जो आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। कोर्ट से दूर कोई नहीं है। राजीव यादव सर, हमारे साथ कुलपत सरासर अन्याय कर रहे हैं और वो अन्याय करने का वजह है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पुरानी कुछ घटनाओं को देखिए। चाहे आर्ट फैकल्टी के लिए सर हम लोग गए थे, आर्ट फैकल्टी में पूरी व्यवस्थाएं बोली गई कि एक हफ्ते से दो हफ्ते में बदल दिया जाएगा, लेकिन आज तक वहाँ बेसिक चीज़ें साफ सफाई तक नहीं हुई है। आप महिला छात्रावास उठाइए, पुरुष छात्रावास उठाइए, किसी फैकल्टी में जाइए, आप जाइए आर्ट फैकल्टी में देखिए, दीक्षा भवन में ब्रेंचे टूटे हुए हैं, विश्वविद्यालय इतना निकम्मा हो चुका है, करोड़ों रुपये का टेंडर होता है साफ सफाई के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन कोई काम नहीं होता है। वो छात्र संघ को सिर्फ इसलिए छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि ये छात्र रोज उनके ऊपर चढ़ के छात्र छात्राओं के लिए लड़ते हैं, उनके निकम्मेपन को दर्शाते हैं, इसलिए वो छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। बच्चों की मांग है चुनाव के संदर्भ में, तो अब मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, तो माननीय उच्च न्यायालय का जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। अब उसके जब मामला सब जुडिस है, माननीय न्यायालय के पक्ष में है, उनके कोर्ट में है, तो वो जैसा कहेंगे वैसा करेगा। माननीय कुलपति जी तैयार हैं कि कोर्ट जैसा आदेश देगी वैसा करेंगे।